आतंकवादी संगठनों ने फूंका सीएम चन्नी का पुतला। पंजाब में हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर हिंदुवादी संगठनों में आक्रोश है। आगरा में हिंदू कल्याण महासभा ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चरण सिंह चन्नी का आगरा के भगवान टाकी चौराहे पर पुतला दहन किया। इस दौरान हिंदू कल्याण सभा के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने ऐलान किया कि अगर पंजाब सरकार ने 3 दिन में माफी नहीं मांगी तो यूपी की सीमा में चरण सिंह चन्नी को घुसने नहीं देंगे। नितिन शर्मा, आगरा, समाचार 24। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कल फिरोजपुर रैली में गए थे। 30 किलोमीटर पहले कांग्रेस के गुंडे, कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री महोदय का काफिले को रोक लिया गया। कहीं ना कहीं उनकी सोची समझी साजिश है, कहीं ना कहीं कोई घटना घटित करने की साजिश है। आज चरण सिंह चन्नी को मैं ऐलान करता हूँ, उनको बोलता हूँ अगर 3 दिन में अगर वो माफी नहीं मांगते तो उत्तर प्रदेश के अगर किसी जिले के अंदर कांग्रेस को कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आज हमने पुतला दहन किया, मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी का वो पुतला दहन किया और वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे पे डाल रहे हैं, कोई ना कोई उनकी साजिश है।